अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम लोग लॉ ऑफ साइन या साइन लॉ को प्रूफ करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ है और पेपर के अंदर भी आता है। अच्छा तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे। एक साइड को हम लोग बोल देते हैं ए, एक को हम लोग बोल देते हैं बी और एक को हम लोग बोल देते हैं सी हमारे पास। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन को ड्रॉप करेंगे सी से, सी से लाइन ड्रॉप करेंगे ए बी लाइन तक हम लोग लाइन ड्रॉप कर दिया। ए का जो एंगल होगा उसे हम लोग अल्फ़ा बोल देंगे, बी साइड के एंगल को हम लोग बीटा बोल देंगे और इसी तरह सी साइड के एंगल को हम लोग बोल देंगे गामा। कैपिटल ए के सामने जो स्मॉल ए और लिखेंगे वो क्या होगा, सी से लेके बी तक की लेंथ हो जाएगी। इसी तरह कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी लिखेंगे वो ए से लेके सी तक की लेंथ हो जाएगी और इसी तरह कैपिटल सी के नीचे स्मॉल सी लिखेंगे और वो ए से लेके बी तक की हमारे पास लेंथ हो जाएगी। सबसे पहले तो हमारा बन गया ट्राइंगल बन गया। इसके अंदर देखिए हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, एक बन रहा है ए सी डी। कैसे, अगर फर्ज करें यहाँ इस पॉइंट को हम लोग डी का पॉइंट देते हैं, जहाँ पे पॉइंट ड्रॉप हो रहा है उसे डी बोल देते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ए सी डी। इसी तरह एक यहाँ पर बन गया बी सी डी। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो प्रूफ करने का क्या आसान तरीका है, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल को लेते हुए हम लोग एक इक्वेशन बनाए, फिर दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल को लेते हुए इक्वेशन बनाए और दोनों को कंपेयर करवा दें। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, फर्स्ट करें पहले हम लोग पहला वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा, ए सी डी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा ले रहे हैं, ए सी डी हम लोग ले रहे हैं। हमें क्या लगा बनाना है, साइन लॉ प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए साइन किसके बराबर होता है। हमें एक चीज पता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के। हम लोग किस पे लगा रहे हैं, ए सी डी पे लगा रहे हैं। तो थीटा यहाँ पे क्या है, अल्फा है हमारा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं साइन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सी लाइन होगी, परपेंडिकुलर कौन सी होती है, जहाँ 90 डिग्री बन रहा होता है एंगल के सामने। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये वाली लाइन है। तो इस वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एच बोल देते हैं, हाइट बोल देते हैं। इस लाइन को हम लोग एच बोल देते हैं। तो पहला तो आगे परपेंडिकुलर एच हो गया हमारा। इसी तरह हाइपोटेन्यूस क्या होते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, ये क्या, स्मॉल बी है हमारे पास। तो साइन अल्फा किसके बराबर हो गया, एच ओवर स्मॉल बी। एच हम लोग इसमें से निकाल लेते हैं, तो एच किसके बराबर हो जाएगा, बी उधर चला जाएगा, तो बी साइन अल्फा। और हम लोग इसे इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देंगे। बिल्कुल इसी तरह अब हम लोग दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा वाला लेंगे, अब हम लोग बी सी डी लेंगे, बी सी डी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल बी सी डी ले रहे हैं। यहाँ पे भी वही लगाएंगे साइन लगाएंगे, फिर से वही लिखेंगे हम लोग साइन थीटा किसके बराबर है हमारे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के। यहाँ पे थीटा के बीटा, यहाँ लिख देंगे साइन बीटा। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर इसमें भी एच ही होगा और हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने वाला। इस बार हाइपोटेन्यूस क्या है, स्मॉल ए है हमारे पास। इसमें से भी हम लोग एच निकाल लेंगे, तो एच हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए साइन बीटा के इक्वल हो जाएगा। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू दोनों एच एच है, कंपेयर करवा ले। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू। कंपेयर करवाने से क्या होगा, एच और एच सेम है तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आसपास हमारे क्या आ जाएगा, बी साइन अल्फा इक्वल्स टू ए साइन बीटा आ जाएगा हमारे पास। अल्फा के साथ ए कर लेते हैं, बीटा के साथ बी कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा ओवर ए इक्वल्स टू साइन बीटा ओवर बी हमारे पास आ गया। एक तरह से देखा जाए तो साइन लॉ प्रूफ हो गया हमारे पास। लेकिन हमारे पास एक साइड नहीं है, ए साइड आ गई, बी साइड आ गई, लेकिन सी साइड हमारे पास नहीं है। ए का हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया। तो करते क्या है, हम लोग बस एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे क्या, इफ वी चूज अदर एक्सिस। अभी मैं आपको समझाता हूँ, इफ वी चूज अदर साइड एंड एक्सिस, तो हमारे पास क्या होता। देखिए अभी हमने क्या चूज करा, अभी हमने अपनी तरफ से चूज करा कि हम लोग सी से ड्रॉप करेंगे लाइन। हमने सी से ड्रॉप करी तो इसकी वजह से हमें ए और बी लेना पड़ा, तो साइन अल्फा ओवर ए हो गया, साइन बीटा ओवर बी हो गया, सी हम लोग नहीं ले सके। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग फर्स्ट करें ए से ये लाइन ले लेते, जो हमने सी से गिराई है वो ए से ले लेते, तो हमारे पास अब क्या हो जाता, अब हमारे पास बी हो जाता, साइन बीटा ओवर बी हो जाता और साइन गामा ओवर सी हो जाता। तो अब हम लोग यहाँ पे ये लिख देंगे, अगर हम लोग अदर साइड ले ले तो क्या हो जाता, साइन बीटा ओवर बी हो जाता हमारे पास और साइन गामा ओवर सी हो जाता हमारे पास, क्योंकि इस बार ए से लाइन गया तो ए नहीं आया हमारे पास। अब एक चीज देखें,
साइन अल्फा ओवर ए किसके बराबर है, साइन बीटा ओवर बी के, और साइन बीटा ओवर बी किसके बराबर है, साइन गामा ओवर सी के। तो क्या हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा ओवर ए इक्वस टू साइन बीटा ओवर बी इक्वस टू साइन गामा ओवर सी। और ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो साइन लॉ प्रूफ हो गया। चाहे तो इसको ऐसे लिख दे साइन अल्फा ओवर ए साइन बीटा ओवर बी साइन गामा ओवर सी, या ऐसे लिख दे सबको ए ओवर साइन अल्फा इक्वस टू साइन बी ओवर साइन बीटा इक्वस टू सी ओवर साइन गामा, और ये हो गया हमारा साइन लॉ।